Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. How are you all? I'm fine. I'm fine. I'm also fine. Today we will do some exercises from Comprehension Junction. Okay. लास्ट सेशन में हम क्या पढ़ रहे थे? कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन पढ़ रहे थे ना? यस मैम। तो किस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे? ओके। बिल्कुल समझ में आ गया था स्टोरी जो थी, शैडो की स्टोरी थी ना, परछाई की कहानी थी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Room are you? Beta, sabhi ko screen pe kuch dikhai de raha hai? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. जी को दिख रहा है बुक ना? ये सब कंप्लीट हो गया था ना? हम बुक्स में पढ़ रहे थे, कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन बुक्स में रहता है। तो इसके यहाँ से इतना आवाज आ रहा है, अपने आप को म्यूट कर ली। पूछेंगे आपको बोलना होगा तो अनम्यूट होना, यही था ना? सभी को दिख रहा है बेटा स्क्रीन पर बुक? शिवांश? यस मैम। ओके ऋषभ? बेटा आंसर बुक दिख रहा है स्क्रीन पर? माई शैडो, माई शैडो के बारे में पढ़े थे हम लोग ना? हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट भी किया था। कंप्लीट किया था इसको? कई लोगों ने यहाँ पे जो था सी में, यहाँ पे डी, द पोएट फाउंड साइनिंग ड्यू ऑन एवरी ट्री, इसको कई लोग ट्रू किए थे। राइट ट्रू होगा? फॉल्स होगा ना, क्योंकि उसने साइनिंग ड्यू कहाँ पर देखे थे? बटर कप पर देखे थे, ट्री पर नहीं देखा था। इसको फॉल्स करना था, कई लोगों ने इसको ट्रू कर दिया था। जिसने भी किया होगा अपना सही कर लेंगे। ओके आज तो बेटा माइक ऑन करके बोलिए आप इसका। The poet has a huge shadow that goes in and out with him. तो यहाँ पे क्या रहेगा? आशुतोष बोलेंगे। मैम ट्रू। ट्रू। ओके। मैम ट्रू। नाम बताइए। महेंद्र। The shadow jumps into the poet bed before him. बेटा आपने पहला आपने बताया है ट्रू, क्या सही है? ऋषभ माइक ऑन तो बोलिए, ऋषभ आवाज नहीं आ रही है। यहाँ फॉल्स होगा, इन्होंने आशुतोष ने कहा है ट्रू, ट्रू नहीं है, क्योंकि जो पोएट था उसका उसकी शैडो ह्यूज नहीं थी, स्मॉल था ना।
शिवांश सेडो स्मॉल था ना मैम, क्योंकि पोएट जो है बॉय छोटा था तो बॉय था तो इसलिए उसका सेडो भी स्मॉल था। यहाँ पे फाल्स होगा, ट्रू नहीं होगा। आज तो आप सही कर लेना अपनी बुक में अगर ट्रू की हो तो। चलिए इसको बताइए मोहित। द सेडो जंप्स इनटू द पोएट्स बेड बिफोर हिम। तो यहाँ पे क्या रहेगा? सलोनी आप बताइए। सलोनी चौहान दस सुन पा रहे हो आप मेरी आवाज? ओके यस मैम। वन मॉर्निंग द पोएट वेक अप बिफोर हिज मदर। बेटा यहाँ पे क्या रहेगा? एक दिन सुबह पोएट सो के उठता है अपनी मदर के उठने से पहले। अच्छा पासवर्ड मैम फॉल। हाँ वह किसके उठने से पहले उठा था? जो पोएट था किसके उठने से पहले उठा था? बोलिए किसके उठने से पहले उठा था पोएट? पोएट यही है बॉय। बोलिए शिवांश रविचित्र आपको ना चला इसका आंसर। पोएट जो है किसके उठने से पहले उठ गया था? कहाँ से इतनी आवाज आ रही है? रवि रवि यस मैम। फिर आपने इसका कितने स्पीकर ऑन किया है इसीलिए आवाज ऐसी हो रही है? ऑफ करिए। यस रवि बताइए बेटा पोएट था वह किसके उठने से पहले उठा था? मम्मी के उठने से पहले उठ गया था सही है। उसकी मदर पहले ही उठ जाते हैं। बेटा किसने उसको क्या ऑन करके रखा है अपना? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आचल यस सलोनी बोली बेटा फाल्स होगा ना यहाँ पर। तो जो पोएट था किसके उठने से पहले उठा था? ट्रू कैसे होगा? जो पोएट की मदर उससे पहले उठती है इसने है वन मॉर्निंग द पोएट वोक अप बिफोर हिज मदर। क्या वो अपने मदर के उठने से पहले उठ गया था? तो किसके उठने से पहले उठा था पोएट? यहाँ पे ढूंढिए कहाँ पे है। उस दिन कराया भी गया था। यस आशुतोष बोलिए। आशुतोष महेंद्र हैंड शो कर रहे बोलो उसका आंसर क्या होगा? फाल्स होगा। तो क्यों फाल्स होगा? फाल्स। हम पूछ रहे हैं कि वह किसके उठने से पहले उठ गया था। वेरी गुड वह सूरज के उठने से पहले उठ गया था। कौन? जो पोएट था बॉय उसकी मदर और पहले उठ गई थी लेकिन जो बॉय था वह सूरज उठने के पहले जग गया था। तो यहाँ पे क्या होगा? फाल्स होगा। वह जो है सूरज निकलने से पहले उठ जाता है। द पोएट फाउंड शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी ट्री। तो यहाँ पे क्या होगा? फाल्स फाल्स
और साइनिंग ड्यू कहाँ पर पाता है? दिव्यांशी बेटा, आपको एक जो है साइनिंग ड्यू कहाँ पर पाता है? ट्री पर? कहाँ पर पाता है? बटर कप पर पाता है। ओके, एमजी बटर कप। ओके, इसको भी कंप्लीट किया आप लोग? राइमिंग वर्ड आपको ढूंढने थे ना पोएम से। यहाँ पे जो वर्ड राइट है उसी वर्ड का राइमिंग वर्ड यहाँ पोएम में आपको ढूंढना था। आपको अलग से नहीं राइट करना था, आपको पोएम से ही ढूंढ के राइट करना था। जैसे मी है, मी का राइमिंग वर्ड पोएम में क्या है? सी। सी भी हो सकता है और ही भी हो सकता है। ओके, आप सी भी राइट कर सकते हो, एच डबल सी, और एच ई ही भी राइट कर सकते हो। ओके, हेड। हेड का क्या होगा राइमिंग वर्ड पोएम में? बेड। बेड। ऋषभ, ऋषभ आवाज जा रही है ना? यस मैम। ओके, यस मैम। राशि, आप हैंड शो कर रहे हो? यहाँ पे सो रहा है। ऋषभ, यहाँ पर हेड का टाइमिंग वर्ड क्या होगा? ऋषभ मैम, बेड। बेड। ओके, ग्रो का क्या होगा? स्लो का? स्लो। स्लो। ओके, अप का क्या होगा? कप। कप। मोहित बेटा, आप भी सुन रहे हो ना? Yes, ma'am. अभी कंप्लीट करना है साइज बी। लेट्स रीड बिटवीन द लाइन। आपको लाइन के बीच से रीड करना है, उसका आंसर देना है। Why does the boy say that his shadow is lazy early in the morning? Why does the boy say? जो boy था, जो poet है, वो ऐसा क्यों कहता है कि जिसका शैडो, जो उसकी परछाई है, वह सुबह जो है आलसी क्यों रहती है? अपनी परछाई को उसने आलसी क्यों कहा? सूरज नहीं निकला है। ओके, क्योंकि जो परछाई है मैम, क्योंकि सूरज नहीं निकला था। ओके, सूरज निकलने के बाद ही दिखाई देता है, इसलिए उसने अपने परछाई को लेजी कहा। तो आप राइट कैसे करोगे इसको? आप यहाँ से स्टार्ट करोगे लिखना। देखो स्क्रीन पर दा से स्टार्ट करोगे आंसर में। अब दा में हम टी को कैपिटल लेटर में राइट करेंगे। यहाँ पर द बॉय से दैट हिज शैडो इज लेजी अर्ली इन द मॉर्निंग। आप इतना राइट करना, द बॉय से दैट हिज शैडो इज लेजी अर्ली इन द मॉर्निंग। आगे बोले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Because it is not seen in the absence of sunlight. Because it is not seen. क्योंकि यह दिखाई नहीं देता। Because it is not seen. Absence in the sunshine. Sunshine means सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी. Absence means अनुपस्थित. Yes, ma'am. तो because it is not seen absence of the sunshine. क्या राइट करोगे मैम? फिर से बोले। द बॉय से दैट हिज शैडो इज लेजी अर्ली इन द मॉर्निंग। आप इतना राइट करना, फिर आगे लिखना। बिकॉज इट इज नॉट सीन। बिकॉज इट इज नॉट सीन, क्योंकि दिखाई नहीं देता। अब्सेंस ऑफ द सनशाइन।
because it is not seen in the absence of the sunshine. Absence is UPSENCE. Absence. Because the boy says that his shadow is lazy in the morning because it is not seen in the absence of sunlight. सब लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको करीमा? Yes ma'am. Yes ma'am. Any problem? No ma'am. No ma'am. No ma'am. तो समझ में आ गया इसका आंसर? Yes ma'am. तो बोलिए क्या ऐड करेंगे हम? Who want to tell? The boy say that his shadow is lazy early in the morning because the shadow thing because it is because it is not seen because it is not seen in the absence it is not seen in the absence absence of the sunshine of the sunshine. गरिमा ना बताइए क्या ऐड करोगे? गरिमा बोलिए क्या ऐड करेंगे यहाँ पे हम? फर्स्ट का अब आए से आज तो लिखवाई है मेरा कौन सा बात कर रहा है किसके यहाँ से आवाज आ रही है Who want to tell? तो इसका आंसर कौन बताएगा हमने इतने बता दिया आप लोगों को दो तीन बार बता चुके दिए हैं अब बताइए आप क्या राइट करेंगे आप बताइए In the boy said that Rishabh? Yes ma'am. तो आप नहीं बताओगे आपने बता दिया है सलोनी चौहान मतलब आप बताइए रवि आप बताइए बेटा बोलिए कुछ सलाम होगा हम बताएंगे क्या करना सही कैसे करना है आप बोल ही नहीं रहे हो बोलिए रवि आप ट्राई तो करो बोलने की यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम रवि आवाज आ रही है आपको ना चलिए बोलिए क्या ऐड करेंगे यहाँ पे हम आप बोलोगे तो पढ़ाएंगे नहीं फिर नहीं बोलिए आप क्या ऐड करेंगे आप बोलो कुछ रॉन्ग होगा बताएंगे ना क्या रॉन्ग है चलिए बोलिए रवि रवि आप बोल ही नहीं रहे हो कुछ रिमूव कर दें आपको यहाँ से जो नहीं बोलेगा उसको रिमूव कर देंगे जो आंसर नहीं देगा आप कैसे भी आप जो अगर आऊंगा आपको बताएंगे कैसे सही करना है ना आप बोलोगे नहीं तो कैसे समझ आएगा आपको आया कि नहीं आया आपको बोलना चाहिए ना यस आता है शिवान Why does the boy say that his shadow is lazy early in the morning? Because it is not seen in the absence of the sunshine. Okay. राशि आप बताइए क्या राइट करेंगे यहाँ पर? The boy says
that his shadow is lazy in the morning? Because it is not seen. Because it is not seen in the absence of the sunshine. Okay. आगे देखिए. What is the funniest thing in the poem? Why? पोएम में सबसे मजेदार थिंग क्या है और क्यों? ऐसा पोएट ने क्यों कहा? किसके बारे में कहा है इसने फनीस्ट थिंग? शैडो के बारे में कहा है ना? क्यों कहा है? नहीं तो क्यों कहा है उसने शैडो के बारे में ऐसा? यहाँ पे राइट करेंगे द फनीएस्ट थिंग्स इन द पोयम. यहाँ स्टार्ट करेंगे द फनीएस्ट थिंग इन द पोयम. आगे दैट द शैडो क्या ऐड करेंगे? दैट द शैडो डस नॉट लाइक द ग्रो लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन. ओके क्योंकि जो शैडो है वो बच्चों की तरह नहीं बड़ा होता है. जैसे बच्चे बड़े होते हैं छोटे होते बड़े उससे बड़े होते हैं फिर उससे बड़े होते हैं. शैडो ऐसे नहीं बढ़ता. वो अचानक बड़ा होगा फिर अचानक छोटा हो जाता है. इसलिए पोएट ने उसको फनीएस्ट थिंग कहा है उसके बारे में. द साइड द फनीएस्ट थिंग इन द पोएम दैट द शैडो डस नॉट लाइक ग्रो like proper children. Okay? That the shadow does not like me grow like proper children. आगे देखिए. Let's go beyond the poem. The poet say the funniest things about him is the way he like to grow. What does he mean by this? जो poet है उसने कहा है कि जो shadow है वो हमारी तरह बड़ा नहीं होता है. तो इसका means क्या होगा? यहाँ पर जैसे हम बड़े होते हैं वैसे shadow बड़ा नहीं होता है. तो ऐसा poem poet ने क्यों कहा है? बोलिए इसका आंसर. रही क्या होगा इसका आंसर? द मीन ऑफ दिस लाइन क्या करोगे आप? द मीन ऑफ दिस लाइन इज दैट Shadow does not have proper shape or size like the children. Okay? कि जो shadow है उसके पास बच्चों की तरह नहीं size shape है नहीं size है. बच्चों की तरह नहीं होता वो. कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा. तो the mean of this line is that the shadow does not have proper shape or size like the children. सभी लोग. द मीन ऑफ दिस लाइन इज दैट द शैडो डस नॉट हैव प्रॉपर शेप और साइज लाइक द चिल्ड्रन. ओके यस मैम. एनी प्रॉब्लम? आगे देखिए. सर असाइनमेंट आपको इसको खुद से कंप्लीट करना है. इट इज द टाइम टू चेक
what I have learned. यह टाइम है आपको अपने आप को चेक करना है कि आपने अब तक क्या सीखा. चैप्टर फर्स्ट में आपने क्या सीखा. ओके आपको इसको कुछ देर टिक करना है. सभी को दिख रहा है बेटा यहाँ पर. आई कैन, मैं कर सकता हूँ. रीड आई स्टोरी एंड आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. मैं स्टोरी को पढ़ सकता हूँ और उस पे आधारित जो क्वेश्चन है उसके आंसर दे सकता हूँ, बता सकता हूँ. ओके अगर आप कर सकते हो तो आप ऑन माई ओन पे क्लिक करना. अगर आपको किसी की सहायता चाहिए तो भी हेल्प पे क्लिक करना. ओके Make new words by adding suffix en and able. En और able suffix को यूज करके आप वर्ड बना सकते हो नया. आपको पढ़ाया गया ना suffix en and able. बेटा en suffix कहाँ पे ऐड करते हैं जी बताइए. en suffix कहाँ पर ऐड करते हैं, वर्ब में या एडजेक्टिव में, किसमें ऐड होता है en suffix? en suffix जो है वर्ब में ऐड होता है या एडजेक्टिव में ऐड होता है? जल्दी बोलिए. Who want to tell? Show me your hand. यस गरिमा बेटा आपको आता है? सभी ने पढ़ा है इसको, पढ़ाया भी गया है. बेटा en suffix कहाँ पे ऐड करते हैं, वर्ब में ऐड करते हैं या एडजेक्टिव में ऐड करते हैं? लर्निंग कौन ड्रा कर रहा है? मना किए थे ना ड्रा नहीं करना है. आसपास भाई में से कोई, दोनों में से कोई एक कर रहा है, मुझे पता है. ऋषभ बेटा आवाज जा रही है आपको? ऋषभ बोलिए यहाँ पे ये सब कुछ कहाँ पे ऐड करते हैं, किसी को नहीं पता है? अब यहाँ पे एक वर्ड है स्वीट. स्वीट में हम एबल यूज करेंगे या ई एन यूज करेंगे? जल्दी बोलिए. स्वीट वर्ड को हम चेंज करना है हमें, तो स्वीट में हम ई एन या एबल क्या यूज करेंगे? ई एन ऐड करेंगे ना. तो आपका स्वीट वर्ब है या एडजेक्टिव? बोलिए. सलोनी आवाज जा रही है कि नहीं आपको? दिव्यांशी बड़ा बोलिए. स्वीट जो वर्ब है एडजेक्टिव? यस आंचल एडजेक्टिव. तो हम स्वीट में, यस तो हम स्वीट में ई एन ऐड करेंगे. तो ई एन किसमें ऐड होता है? एडजेक्टिव में ऐड होता है. ओके स्वीट मीन्स मीठा, हम उसमें ई एन ऐड कर देंगे, बन जाएगा स्वीटन. तो स्वीटन मीन्स होगा मीठा करना. तो आपका स्वीटन जो एक वर्ब है, तो हम एडजेक्टिव में ई एन ऐड करते हैं उसको वर्ब में चेंज करने के लिए. ओके याद रखना ई एन जो है कहाँ पे ऐड करते हैं? एडजेक्टिव में ऐड करते हैं उसको वर्ब में बदलने के लिए. और एबल कहाँ पे यूज करते हैं?
वर्ब में ऐड करते हैं उसको एडजेक्टिव में चेंज करने के लिए. ओके वास, वास मीन्स होता है धुलना जो कि एक वर्ब है. वर्ब है वास ना. Yes, ma'am. हमें वास को चेंज करना है एडजेक्टिव में तो हम किसका यूज करेंगे. एप्पल का यूज करेंगे. तो वर्ड क्या बनेगा. वासेबल. ओके धोने योग्य. तो आपका वासेबल जो है एडजेक्टिव वर्ड है. ओके वास आपका वर्ब है. वर्ब में एबल यूज करके उसको एडजेक्टिव में चेंज करके वासेबल बना देते हैं. जो नहीं बोलेगा उसको रिमूव कर देंगे. उसको आप पढ़ नहीं पाओगे. आप लोग बोलते ही नहीं हो. कुछ तो बोलो रंग बोलोगे बताएंगे क्या सही रहेगा. कि बोलते आवाज नहीं निकलती है. आज तो महेंद्र है सलोनी है. कुछ बोलते ही नहीं है लोग. रवि तो भी कुछ नहीं बोलते हैं. मतलब बोलना चाहिए ना आपको. आगे देखिए प्रोनाउंस वर्ड्स विद डबल लेटर करेक्टली. आपने वर्ड पढ़ा डबल लेटर का पढ़ा था ना. तो उसको आप पहचान सकते हो ना. कोई एग्जांपल दो डबल लेटर का. कोई वर्ड बोलिए उसमें डबल लेटर हो. कोई भी लेटर हो तो डबल. एप्पल. और क्या बृहस्पति. मैम बॉल मॉल. मॉल बॉल. ओके और बोतल. बोतल भी होगा. यस दिव्यांशी. क्या ओके. यस सलोनी. डॉल. ओके नेक्स्ट है फ्रॉम प्लूरल्स. आप प्लूरल्स वर्ड बना सकते हो ना. ओके आप यहाँ पे टिक करना. कर सकते हो यहाँ पे. अगर नहीं किसी की सहायता को चाहिए तो आप यहाँ पे टिक करना दूसरे कॉलम में. डिस्क्राइब अ गेम. आप कोई भी गेम हो उसको डिस्क्राइब कर सकते हो ना. किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं. इसका रूल क्या होता है इस गेम का. डिस्क्राइब कर सकते हो ना सभी लोग. आफ्टर टाइम टू फाइंड आउट द similarities and difference between your friend and yourself. अपने फ्रेंड के बारे में आप बता सकते हो ना. क्या आपके फ्रेंड में क्या और आप में क्या डिफरेंस है. सेम क्या और डिफरेंस क्या आप दोनों में. ओके listen to a story and suggest a solution to a problem in the story. कोई स्टोरी हो आप उसमें उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा. उसे प्रॉब्लम क्या है आप डिस्क्राइब कर सकते हो ना. yes, ma'am. Okay. Okay students, this is ending of this session. Goodbye students. Goodbye. 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 Goodbye.